सारे नूं सत श्री अकाल जी, चैनल ते स्वागत आ तुहाडा सारयां दा, और उम्मीद करदा कि तुसीं सारे चढ़दी कला छोवोंगे। अज दी वीडियो विच एक किताब है मेरे हथ विच, काफ़ी दिनों तो किसी किताब बारे गल नहीं की सी, ये किताब पढ़ी रहा सी, मैं कहा सी चलो इहनूं पढ़ के फिर इहदे बारे तुहाडे नाल गल करांगे। ये किताब का नाम आ असल विद्या। इत्थे मेरियां नज़रां सामने काफ़ी देर दी घूम रही सी और मैं इस बुक नूं कवर तो जज कर रहा सी। भावें कहा जांदा कि किसी बुक नूं कवर तो जज नहीं करना चाहिए, पर की करिए, तुसीं भी जिहड़े पढ़दे आ किताबां ये समझदे होवोगे इस गल नूं कि सब तो पहलां बुक कवर तो ही जज हुंदी आ। करना तो भावें नहीं चाहिए कहिंदे, पर फिल्म का पोस्टर जिहड़ा आ, फिल्म का जां टीज़र आ, उहदा ही प्रभाव पैणा हुंदा पहलां, ठीक आ। सब तो पहलां ये भी फिल्म के टीज़र वांगू ही हुंदी आ ना, इहदा कवर काफ़ी कुछ बयान करदा। तो इहदा कवर इदां दा लगदा सी मैनूं बाहरों, जिदां एक बच्चियां दा कायदा हुंदा कोई ना, गुरमत दे कायदे छपदे आ कुछ, जां उदां सधारण कुछ कायदे, तो वह उदा का लगता सीगा मैनूं इहदा कवर। असल विद्या, इहदा नाम हैगा असल विद्या, लेखक हैगे आ डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, और उन्होंने ब्रैकट दे विच लिखिया आ वरोसाइयां रूहां दीआं सुहावणियां यादां, सुहावणियां यादां। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी कौन आ? डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी सिख धर्म के महान लिखारी आ, लिखारी होए आ, हुण साडे विच नहीं हैगे, वह बहुत वड्डी शख्सियत होई आ, जिन्ने भी बोलने वाले आ स्टेजा तो, कथावाचक प्रसिद्ध गूढ़ा ज्ञान रखने वाले, जिस तरह ज्ञानी भिंदरपाल सिंह जी आ, जां मस्कीन साहब सीगे पिछले समय च, ज्ञानी सरबजीत सिंह जी आ, होर जिहड़े भी हैगे ना प्रसिद्ध, इस तरह जिहड़े बहुत ज्ञानी आ, सचमुच दे ज्ञानी, नाम दे नहीं, वो अक्सर इन्हां दा जिक्र करदे आ। ज्ञानी भिंदरपाल जी बहुत इन्हां दा जिक्र करदे आ, वो इन्हां नूं पढ़दे आ, देखो ये किद्दां दी हस्ती होगी। इन्होंने धर्म के बारे बहुत लिखिया, इन्हां दे नाम मूहरे डॉक्टर लगता है, सचमुच दे डॉक्टर भी सीगे और मनोरोगां दे बहुत माहिर सीगे, किन्ने माहिर सीगे इत्थों पता लगता। पिछले पासे जिते इन्हां दी फोटो लगी, कुछ इन्हां बारे संखेप विच लिखिया होया किताब ते, वो कहिंदे उन्हां नूं रब ने बहुत पक्की प्रतिभा नाल वरोसाया सी, डॉक्टर तां सीगे ही पर लेखक देखो किन्ने महान सीगे, खोज किन्नी सी उन्हां दी। और कहिंदे उन्हां ने मनोचिकित्सा दे खेत्र विच अंतरराष्ट्री इंटरनेशनल पद्धर ते नाम खटिया। उन्होंने पी जी आई चंडीगढ़ के डायरैक्टर रहे पी जी आई दे, और चार साल जनीवा विच सेहत संस्था डबल्यू एच ओ दे विशेष सलाहकार रहे। डबल्यू एच ओ देखो किड्डी वड्डी ओह संस्था आ, जां कुछ भी कहो, कि उहदे विच विशेष सलाहकारां दे विच सीगे डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, और इह सिक्खी लई वी माण वाली गल सी कि साबित सूरत अमृतधारी गुरसिख एडे वे रुतबे ते। 1999 आप नू सर्वोत्तम व्यवसायी अवार्ड प्रदान होया। मानसिक सेहत नाल संबंधित अनेक संस्थावां ने उन्हां नू कई तरह के वड्डे सन्मानां नाल नवाजिया, और धर्म के खेत्र विच उन्हां दे प्रमुख विद्वानों के नाम आउंदा आ, और पार्लीमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो, शिकागो 1993 ते बारसीलोना 2003 विच, ते कई बार यूनेस्को दे सैमीनारां विच उन्होंने सिख धर्म की प्रतिनिधता की, बहुत वड्डी गल सी। और दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर दे चेयरमैन रहे, और पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन विभाग के प्रोफेसर ऑफ एमीनेंस नियुक्त किया। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द खालसा अवार्ड नाल सुशोभित किया गया, और साहित्य के खेत्र में एक कविता भी बड़ी चोटी दी लिखते सी डॉक्टर नेकी साहब, कविता भी उन्होंने पढ़न योग है, कहिंदे बड़ा उच्चा रुतबा रखती है। उगे दार्शनिक ते वार्तककार ते मतलब कि बहुत कुछ जी, उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि साहित्य का बहुत वड्डा अवार्ड आ वो मिलिया, ते साहित्य श्रोमणी अवार्ड और श्रोमणी साहित्यकार अवार्ड, ते ज्ञानपीठ अवार्ड की पंजाबी सलाहकार कमेटी के मैंबर भी रहे, जो कि बहुत वड्डा अवार्ड आ ज्ञानपीठ, और चंडीगढ़ पंजाबी अकैडमी के चेयरमैन भी रह चुके। तुसीं इत्थों अंदाजा ला लो, हाले संखेप च लिखिया उन्हां बारे, कि किड्डी वड्डी शख्सियत दी इह किताब आ, बहुत ही वड्डी नहीं किताब, 120 पेजां दी किताब आ। किताब दे विच की आ, इस गल ते आवां ते छेती वीडियो नूं बस खत्म करां। किताब दे विच इहदा नाम ही दसदा कि असल विद्या। एक तां विद्या स्कूल विच जांदे आ, प्राप्त करदे आ, सिलेबस सारा सैट कीता हुंदा आ, और टीचर सानूं उस समेस्टर दे सिस्टम दे हिसाब नाल सारा सिलेबस रिकवर करा दिंदे, और वह एक विद्या सानू जिहड़ी गिणी मिथी हुंदी आ
पैट पैट वह प्राप्त हो जाती है। पर इन्होंने यह नाम असल विद्या क्यों लिखा, इनू पिंगलवाड़ा वाले ने छापिया। प्रकाशक डॉक्टर इंद्रजीत कौर जिहड़े कि भगत पूरन सिंह का पिंगलवाड़ा उन्होंने देख रहे और उन्होंने संगत भी भगत पूरन सिंह के समय तो ही सेवा करते थे उत्थे रोगियों की उन्होंने रह के, और ये सेवा भगत जी ने उन्होंने सौंप दी। और जिहड़े कि प्रधान ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसायटी के, क्योंकि पिंगलवाड़े की अपनी प्रैस आ, भगत पूरन सिंह जी जिते रोगियों को सामभते थे उन्होंने प्रैस भी लगाई सी, किताबा भी लिखते थे, उन्होंने किताबों भी प्रमोट किया, ये बहुत वड्डी गल सी और उन्होंने ही छापी है। और ये कुछ इस तरह दिया छोटी छोटी घटनावां नेकी साहब ने अपनी जिंदगी लिखिया, वरों साइया रूहों दिया सुहाणियां यादा, उन्होंने कोई इस तरह की वलगण नहीं रखी कोई इस तरह की कि एको धर्म के लोगों की सिखा की गल की ये सिर्फ अपने अध्यापक की नहीं, उन्होंने कहा जिंदगी का वो ज्ञान जिहड़ा किसी किताब च नहीं सीगा किसी जां स्कूल दे सिलेबस चों नहीं मिलिया, जिहड़ा जिंदगी दे विच कुछ महान शख्सियतों के कोलों ज्ञान मिलिया छोटिया छोटिया घटनावां के थ्रू। ये भी नहीं कि उन्होंने बह के कितने सोटी फट के सिखाया भी आ गल नहीं, जिंदगी विचरदियां होईयां कुछ घटनावां होईयां, घर दे विच बीती कोई घटना, कोई माँ बाप ने इस तरह के संस्कार सिखाए, कुछ उन्होंने दादे की घटना हो गई, कोई अध्यापकों तो पता लगी गल, कोई किसी बजुर्ग तो, कोई मुसलमान की कोई हिंदू, सारिया दी घटनावां उन्होंने लिखिया। ईवन के वह जिदा दसिया कि विचरते रहे वर्ल्ड के लैवल से पूरे दे, क्योंकि WHO नाल जुड़े हुए थे तो वो देश बड़े बड़े देशों में अक्सर जाना पैंदा सीगा उन्होंने अपनी ड्यूटी पर। वो जिदा उन्होंने लिखिया कि नाइजीरिया दे विच मैं गया, उत्थे लेखक नूं मिलिया एक महान नूं जिहड़ा कि अपाहिज सीगा, उन्हें दसिया कि किस तरह मैं लेखक बनिया, तो उन्हें कहा कि मैं हर पासों टुट चुका सी, मेरे सिर्फ हाथ काम करते सी, ते मैं मैनू कहिंदे किसे मेरे चाचे ने कह दिता कि तू लेखक बनन बारे ना सोच भी, ये तेरे बस की गल नहीं, कहिंदे मैं रब का नाम लैके रब नूं याद करके लिखना शुरू किया तो मैं बहुत उचाइया ते पहुंचा। कहिंदे मैनू उत्थों सीखण नूं मिलिया कि रब नूं याद करके जिहड़ा काम किया जाए उस बंदा तां ही तां जांदा है और साफ नीयत होवे। इस तरह अनेक घटनावां उन्होंने लिखिया कि कित्थों आह गल सीखी, कित्थों आह गल सीखी, सबर शुकर कितों सीखिया, किसी प्लेयर की लत टुट गई स्टूडेंट की, फुटबॉल का चोटी का प्लेयर से तो वह किदा शुकर करता है, हस्पताल के बैड पर पिया होया रब का शुकर करता है, वह कहिंदा मैनू लत टुटन के कारण बिस्तरे पे नूं टैगोर पढ़न का मौका मिलया, वह कहिंदा रब का शुकर आ मेरी लत ना टुटदी तो मैं टैगोर दी कहानियां एडा वड्डा साहित पढ़ने नूं नहीं मिलना सी। इस तरह दीआं अनेक घटनावां उन्होंने इहदे विच दर्ज कीतियां और रूहानियत नाल संबंधित भी है कि क्योंकि बड़े ये रब का नाम लैण वाले बंदे सीगे नेकी साहब, उस तरह तो बंदे ने माड़ी जी पढ़ाई कर जाए बंदे के दिमाग में चढ़ जाती ना पढ़ाई, बंदा फिर रब न चैलेंज कर तुर पैंदा आ। पर यह लोग इन्हां दी महानता मतलब कि इन्हां दे महान होने वड्डा हाथ इस चीज़ का मैं समझदा, एडे उच्चे रुतबे ते संसारक तौर पर पहुँच के उन्होंने अपने आप में एक गरीब सिख जाणिया और रब की शक्ति नूं वड्डी जाणिया हर जगह पर और नाम भी जपदे सीगे। इत्थे तां साडे प्रचारक जिन्हां दा काम ही प्रचार करना वह भी नाम नूं भंडदे आ स्टेजां ते बह के कि नाम जपना तोता रटना धुंदे अरगे मैनूं नाम लैण तों गुरेज नहीं। पर ये बंदे जिहड़े एडे उच्चे रुतबे इन्नियां पढ़ाइयां करके फिर भी नाम जपदे सीगे और इन्हां नाल किद्दां किद्दां दे खुद नाल चमत्कार जिंदगी दे विच वापरे, जिथे कह लो रब आप साक्षात कह लो इंसान दे रूप विच इन्हां दे कोल आ गया, इदां दीआं घटनावां दे विच लिखियां उन्होंने। तो तुसीं जरूर एक किताब पढ़ो, तुहाडा परमेश्वर जी दे विच विश्वास वधूगा और तुहानूं शुकर शुकर करन दी जाच आऊगी एक किताब पढ़ के और सच्चाई दी समझ लगेगी कि सच दा राह किस तरह दा हुंदा आ, तो रब रब नूं प्यार करके रब नूं याद करके तुरीए तो किस तरह राह पदरे हुंदे जांदे आ, तो दुश्मन किदां दोस्तां विच बदल जांदे आ, ये तुहानूं किताब पढ़ के पता लगेगा। तो एक किताब जरूर प्राप्त करो तुसीं, इहदे उत्ते लिखिया होया भेटा रहत, ठीक आ। तो ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੌਖੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।